इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए ईस्टर्न इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एकेडमिक पार्टनर मेंटोस एडुसर्व आज उच्चतम शिक्षा और सर्वोत्तम रिजल्ट का पर्याय बन चुका है। इसका प्रमुख कारण है प्रॉपर एडवांस प्लानिंग बाय एक्सपर्ट टीम। हर सत्र शुरू होने से काफी पहले हमारी एकेडमिक टीम पूरे सत्र के लिए वेल प्लान्ड कोर्स स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसमें पूरे साल का सिलेबस, स्टडी मटेरियल, कोर्स शेड्यूल और एकेडमिक कैलेंडर शामिल है। पहले से की गई प्लानिंग की वजह से बच्चों की समय रहते अपनी पढ़ाई खत्म हो जाती है और उसके बाद रिविजन के लिए काफी समय मिलता है। किसी भी एकेडमिक सिस्टम में वहाँ के शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मेंटोस एडुसर्व ने हमेशा से कुशल और अनुभवी शिक्षकों की एक बेहतरीन टीम रही है, जिसने पिछले कई वर्षों में न सिर्फ जेईई मेंस तथा एडवांस और नीट बल्कि केवीपीवाई, ओलंपियाड और ऐसे ही कई प्रतिष्ठित कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों को बेहतर परफॉर्म करने के लिए ट्रेन किया है। शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि के लिए भारत के विभिन्न राज्यों से एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम का समय समय पर चुनाव होता रहता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर बैच को समान शिक्षा प्रदान की जाए। बेहतरीन टीचर्स और अच्छी पढ़ाई के साथ साथ एक कुशल मैनेजमेंट टीम का होना भी बहुत ही अनिवार्य है। बिना कुशल सपोर्ट सिस्टम के पूरे साल की पढ़ाई को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाना मुश्किल है। अपने सालों के अनुभव से मेंटोस एडुसर्व ने एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम बनाई है, जिसकी अध्यक्षता अच्छे मैनेजमेंट संस्थानों से पढ़े कुशल मैनेजर्स करते हैं। रेगुलर कोर्स ट्रैकिंग, पीरियोडिक टेस्ट। आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मेंटोस एडुसर्व के बिहाफ पे इस सेमिनार में आए हुए आप सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और गार्जियंस का मैं मेंटोस एडुसर्व के बिहाफ पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये सेमिनार उन बच्चों के लिए आयोजित किया गया है जिन बच्चों ने मीटर यानी मेंटोस एडुसर्व टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन मीटर की परीक्षा में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और जिन्होंने मीटर की परीक्षा में सफलता पाई है, तो उन बच्चों का रिजल्ट इस मीटर के एग्जामिनेशन के थ्रू इस सेमिनार के थ्रू डिक्लेयर किया जाए। ये सेमिनार मेंटोस एडुसर्व आयोजित कर रहा है। संभव है कि आपने से कुछ बच्चों को मेंटोस एडुसर्व के बारे में पता हो। जिन लोगों को मेंटोस एडुसर्व के बारे में नहीं पता है, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेंटोस एडुसर्व का देना चाहता हूँ। मेंटोस एडुसर्व नॉर्थ इंडिया में आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने वाला नंबर वन कोचिंग इंस्टीट्यूट है। पिछले 3 अप्रैल 2011 को ये इंस्टीट्यूट पटना के बोरिंग रोड में शुरू हुआ था और पिछले 11 सालों में तो इसने अपने आप को मदर इंडिया का नंबर वन कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाया है। नंबर वन कोचिंग इंस्टीट्यूट मेंटोस एडुसर्व इसलिए है कि पिछले 10 सालों में बिहार और झारखंड में रहकर जिन बच्चों ने आईआईटी और मेडिकल की तैयारी की और जितने बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मेंटोस एडुसर्व के ट्रेंड स्टूडेंट थे। 3 अप्रैल 2011 को हमने पटना के बोरिंग रोड के युगेश्वर प्लाजा से इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया था और आज 10 सालों में पटना के 3 जगह बोरिंग रोड, कंकड़बाग और बाजार समिति में हमारे 8 स्टडी सेंटर, बिहार के भागलपुर में हमारा रीजनल स्टडी सेंटर और झारखंड के बोकारो में हमारा स्टडी सेंटर है। मेंटोस एडुसर्व का नया स्टडी सेंटर बिहार के पटना के सबना मोड़ के पास इस साल से वो हमारा 4th स्टडी सेंटर होगा। मेंटोस एडुसर्व का जो वर्क रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है आईआईटी और मेडिकल के क्षेत्र में, उस चीज की प्रामाणिकता दो चीजों से आप जान सकते हो। एक तो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, जितने बच्चों ने और जितने अच्छे रैंक के साथ बिहार से बच्चों ने आईआईटी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के एग्जामिनेशन में सफलता पाई है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेंटोस एडुसर्व का रहा है और इस चीज को समय समय पर डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स ने रिकॉग्नाइज और अवार्डेड भी किया है। मेंटोस एडुसर्व को एजुकेशन के फील्ड में कई सारे अवार्ड मिले हैं, जिनमें जो कुछ बेहतरीन अवार्ड है वो इंडिया के सबसे लीडिंग मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा दिया हुआ टाइम्स एजुकेशन अवार्ड है और इसके अलावा भी हमें बिहार का गौरव टाइम्स आइकॉन अवार्ड, दैनिक जागरण अवार्ड जैसे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अगर आप मेंटर
परीक्षा जो सर्व से पढ़ने वाले बच्चों के रिजल्ट को देखिएगा, तो जहां 2013 में मेंटर्स एंड सर्व से जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में 140 बच्चों ने सफलता पाई, वहीं 2022 में मेंटर्स एंड सर्व के 782 स्टूडेंट ने जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में सफलता पाई। एंड नॉट ओनली इन टर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिजल्ट, अगर आप क्वालिटी ऑफ रिजल्ट की बात कीजिए, आईआईटी जेई में सफल होना अपने आप में एक बड़ी बात है, और 2 digit 3 digit में रैंक सिक्योर करना आपके एक माइलस्टोन का स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है। आपके सामने मेंटर्स एंड सर्व से पढ़े हुए वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में 2 digit 3 digit में सफलता पाई। जेई एडवांस के साथ साथ अगर आप जेई मेन के रिजल्ट की बात कीजिएगा, तो जहां 2013 में मेंटर्स एंड सर्व से टोटल 709 बच्चों का जेई एडवांस में सिलेक्शन हुआ, वहीं 2022 में 3824 स्टूडेंट ने जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में सफलता पाई। अगेन अगर हम क्वालिटी ऑफ रिजल्ट की बात करें, तो 2017, 2018, 2019, 2000 अब आप जो आ रहे हैं उसी क्रम में पीछे बैठाइए, बार बार आगे प्रश्न होगा। मैं जेई तो 2013 में जहां मेंटर्स एंड सर्व से पढ़े हुए 162 बच्चों ने मेडिकल के एग्जामिनेशन में सफलता पाई, वहीं 2022 में 2843 स्टूडेंट ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफलता पाई। और अगर आप क्वालिटी ऑफ रिजल्ट को देखोगे, तो 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के नीट टॉपर बिहार के मेंटर्स एंड सर्व के स्टूडेंट रहे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उस इंस्टीट्यूट के बारे में है जो इंस्टीट्यूट आपसे आज मुखातिब हो रहा है, इस सेमिनार को जो आयोजित कर रहा है। अब सारे बच्चों को पता है कि इस सेमिनार में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इस सेमिनार का पर्पस आप बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करना है, उसके साथ साथ एक बड़ा पर्पस भी है, क्योंकि अगर हमें सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर करना होता तो हम आपको टेलीफोन के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेज के थ्रू या मेंटर्स के वेबसाइट पे भी रिजल्ट बता सकते थे। इस सेमिनार ने आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ साथ हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे क्लास 10th के बाद मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ऑप्ट करके इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफल होना चाहते हैं, उन बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, उन्हें किन किन एग्जामिनेशन में अपीयर होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, उस एग्जामिनेशन को सही तरीके से क्वालिफाई करने का क्या अप्रोच है, मेंटर्स एंड सर्व तैयारी में बच्चों की कैसे मदद करता है। तो ये सेमिनार एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है। आज काफी ठंड है, मैं पटना से आया हूँ, लगभग 260 किलोमीटर पटना से डिस्टेंस है नरकटिया के जिला, आप लोग भी इस ठंड में आए, लेकिन पार्टिकुलरली मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी बात को अगले 50 मिनट 60 मिनट जितनी भी देर का ये सेमिनार होगा, आप अगर सही तरीके से मेरी बातों को सुनेंगे समझेंगे, तो आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं उसमें आपको एक ज़्यादा डेडिकेटेड अप्रोच और एक ज़्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। सो लेट अस बिगिन दिस सेमिनार। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेमिनार मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ। आप में से कुछ बच्चों का ये हो सकता है कि आखिर मेंटर्स मीटर क्यों आयोजित करता है, मीटर मीन्स मेंटर्स एंड सर्व टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन, हम मीटर क्यों आयोजित करते हैं, क्या मेंटर्स में मीटर के अलावा किसी और तरीके से बच्चों का एडमिशन होता है? आप किसी और तरीके से भी मीटर के अलावा भी आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन मीटर में पार्टिसिपेट करने और मीटर में पार्टिसिपेट करके मीटर के थ्रू एडमिशन लेने का आपकी प्रिपरेशन में क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जानकारी भी होगी, एक तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट रैंक के बारे में पता चलेगा कि आपके जिले में जितने बच्चे बैठे हैं मीटर में उसमें आपका क्या रैंक है, स्टेट रैंक के बारे में पता चलेगा, मीटर के थ्रू आप अच्छे बैचेज में जा सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छा बेनिफिट है मीटर का वो मैं आपको इस टेबल से दिखाना चाहता हूँ।
जितने भी बच्चे पूरे बिहार से जितने भी बच्चे मीटर के एग्जामिनेशन में बैठे और मीटर में उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जिन बच्चों को एडमिशन के लिए इनवाइट किया गया, उन बच्चों में से सबसे अच्छा जो मार्क्स है, टॉपर का जो मार्क्स है वो 92.8% है। यानी जिन बच्चों को क्लास 11th में 2023 में जाना है और जिन्होंने मीटर के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है, जो उसमें का रैंक वन है, टॉपर बच्चा है, उसने लगभग 93% मार्क्स अचीव किया है। लेकिन उसके साथ साथ जिन बच्चों को भी इस मीटर के थ्रू एडमिशन ऑफर किया गया है मेंटर सर्टिफिकेशन में, उन बच्चों का ऑन एंड एवरेज मार्क्स 80.84% है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि इस मीटर के थ्रू जिन बच्चों को उन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने थोड़ा कम, कुछ बच्चों ने थोड़ा ज्यादा, ऑन एंड एवरेज 80% मार्क्स अचीव किया है इस मीटर के एग्जामिनेशन। इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा? इंग्लिश का एक अच्छा कोटेशन है, इफ यू आर द बेस्ट पर्सन इन द रूम लीव द रूम। अगर आप अपने ग्रुप के सबसे काबिल इंसान हैं तो आपको उस ग्रुप को छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज आपका डेवलपमेंट रुक जाए। अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं अगर आप अपने स्कूल के, अपनी कोचिंग क्लास के, अपनी क्लास के टॉपर स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप IIT और NEET जैसे एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हो तो आपको पटना, दिल्ली, कोटा, हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़ जैसे जगहों में 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चों के बीच कंपटीशन में अपीयर होना है और सफलता पाना है। इसलिए जरूरी है कि आप अगले 2 साल तक जो तैयारी करें, अगले 2 साल तक की आपकी तैयारी में जो बच्चे आपके साथ रहें, जिस बैच में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस बैच के बाकी बच्चे भी इक्वली एम्बिशियस हो, इक्वली कॉम्पिटेंट बच्चे हों, डिटर्मिंड बच्चे हों, तो आपको अपने क्लासरूम में एक रियल कंपटीशन हमेशा मिलता रहेगा और आपको ये पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छे बच्चों के बीच कैसा है। और ऐसा लगातार जब 2 साल आप कीजिएगा तो निश्चित रूप से एक अच्छे ग्रुप में स्टडी करने का बेनिफिट आपको 2025 के JEE के एग्जाम में या NEET के एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द बेनिफिट कि मीटर के थ्रू हम सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, मीटर के थ्रू हम बच्चों को जो एडमिशन प्रोवाइड करते हैं उसमें 2022 का ही फी एप्लीकेबल होता है 2023 के सेशन के लिए, क्योंकि ये मीटर 2022 में आयोजित हुआ है, तो ये सब इकोनॉमिक बेनिफिट है। बट जो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ग्रुप ऑफ हिंदी में भी वो किताब आती है जीत आपकी। अगर आपको कभी वो किताब मिले, बुक का टाइटल है जीत आपकी, तो अगर आपको कभी वो किताब मिले आप उस बुक को पलटिएगा तो उसके फर्स्ट पेज पे ही ऑथर ने लिखा है कि किताब का टाइटल है जीत आपकी, और उसके फर्स्ट पेज पे ही ऑथर ने लिखा है आप इस किताब को पढ़ रहे हैं इसका मतलब कि आप जीतना चाहते हैं। तो आप में से जो भी बच्चे इस सेमिनार में आए हुए हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप अपने एग्जामिनेशन में सफलता पाना चाहते हैं, इसलिए ये मेरा एक डायरेक्शन भी है बच्चों के लिए कि मैंने आपको शुरू में ही क्लियर किया ये कोई टॉक शो नहीं है, ये सेमिनार बच्चों के लिए है जो सिंसियरली JEE और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं। इसलिए आप अगले 50-60 मिनट तक ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, समझने की कोशिश करिए। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेमिनार ऑन दिस नोट। इस वैसा सुनिए, थोड़ा सा कैप पर भी बैठाइए, मिस्टर होगा ना तरीके से, अब जो आ रहे हैं वो सब पीछे बैठाते जाइए। हम आपके साथ ये बात करेंगे कि आपको अगले 2 साल में किन किन एग्जामिनेशंस में अपीयर होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो क्लास 10th के बाद 11th में मैथमेटिक्स ऑप्ट करके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। बच्चों अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करने की सोच रहे हो और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपका एडमिशन 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिन्हें IIT कहा जाता है, 31 नेशनल, उसके अलावे देश के कुछ प्रतिष्ठित गवर्नमेंट
ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अच्छी यूनिवर्सिटी और BIT मिश्रा ब्रिट्स पिलानी जैसे अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए आपको जो फर्स्ट एग्जाम जिसमें आपको अपीयर होना होगा वो है आपका JEE मेन का एग्जाम। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चों को जो फर्स्ट एग्जाम होता है जिसमें उन्हें अपीयर होना होता है वो JEE मेन का एग्जाम। JEE मेन का एग्जाम एक साल में दो बार होता है। जैसे जो बच्चे 2023 में 12th के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन्हें जनवरी में एक बार JEE मेन में अपीयर होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और फिर उन्हें अप्रैल में JEE मेन में अपीयर होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे आप 2025 में आपको 12th का एग्जाम देना है तो आपको एक बार जनवरी 2025 और एक बार अप्रैल 2025 में JEE मेन में अपीयर होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे इस साल 24th जनवरी से JEE मेन का सेशन 1 है और 20th अप्रैल से JEE मेन का सेशन 2 है। जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही शिफ्ट में अपीयर हों, आप दोनों में से किसी एक शिफ्ट में भी अपीयर हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बच्चों को ये सलाह देते हैं कि उन्हें दोनों शिफ्ट के एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहिए। उसमें से जिस शिफ्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे आपका वही मार्क्स कंसिडर किया जाएगा आपके रैंक के लिए और आपके कॉलेज अलॉट होने के लिए। इसलिए बच्चों को दोनों शिफ्ट में अपीयर होनी चाहिए। JEE मेन का जो सिलेबस है आपको 3 घंटे का एक पेपर देना होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। सिलेबस क्लास 11th प्लस क्लास 12th का सिलेबस होता है। क्लास 11th फिजिक्स केमिस्ट्री, क्लास 11th क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 11th क्लास 12th केमिस्ट्री, 11th और 12th की केमिस्ट्री और 11th 12th की मैथमेटिक्स। तो क्लास 11th और क्लास 12th का कंबाइंड सिलेबस होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। जो बच्चे अपीयर होते हैं अपने 12th बोर्ड के एग्जाम के साथ, मेंटर से दूसर के वैसे बच्चों को हम सजेस्ट करते हैं कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो JEE मेन के जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करें। जैसे मान लो कि जो बच्चे 2023 में 12th का एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो अपने बोर्ड एग्जाम के पहले उन्होंने जनवरी वाले शिफ्ट में JEE मेन में अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है कि हमने एक अपना एडमिशन NIT वगैरह में सिक्योर कर लिया है, अब उन्हें केवल बोर्ड के एग्जाम और JEE एडवांस के एग्जाम पे फोकस करना होगा। JEE मेन में अच्छा परफॉर्मेंस करने का 2 बेनिफिट है। एक बेनिफिट तो ये है कि केवल उन्हीं बच्चों को JEE एडवांस में अपीयर होने का मौका मिलता है जो JEE भी 100% मार्क्स अचीव किया है। JEE मेन एग्जामिनेशन के बाद जो काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है वो है JEE एडवांस एग्जाम। JEE एडवांस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करने का, JEE एडवांस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जिन्हें IIT बोला जाता है, उसमें एडमिशन लेने का मौका मिलता है। JEE एडवांस का एग्जाम एक साल में एक बार होता है। जैसे अगर आप 2025 में 12th में अपीयर होइएगा तो आपको 2025 में एक बार JEE एडवांस के एग्जामिनेशन में अपीयर होने का मौका मिलेगा। जनरली ये एग्जाम मई या जून के महीने में होता है। इस एग्जामिनेशन में एक ही दिन में 2 पेपर लिए जाते हैं, 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं। जैसे 9:30 टू 12:30 अगर पेपर 1 होगा तो 2:30 टू 5:30 पेपर 2 होगा। JEE मेन का सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन JEE एडवांस के साथ एक चीज ये है कि JEE एडवांस का नेचर प्रेडिक्टेबल नहीं है। JEE एडवांस के क्वेश्चन का नेचर प्रेडिक्टेबल नहीं है। क्वेश्चन का नेचर प्रेडिक्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आप हमसे कहेंगे कि सर JEE मेन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता पाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन होगा, 4 में से एक सही ऑप्शन है, आपको उसे सेलेक्ट करना है। लेकिन JEE एडवांस 2023 में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, I cannot say with all definite, क्योंकि वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट देंगे, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट भी देते हैं जहां एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, कभी assertion reason देते हैं, कभी assertion reason नहीं देते हैं, कभी वो 2 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, कभी 3 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, कभी 2 कॉलम मैचिंग देंगे, कभी 3 कॉलम मैचिंग देंगे।
सो नेचर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट प्रेडिक्टेबल, और इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो मेंटल साइड रिसर्च के बच्चे होते हैं उनका जब हम इंटरनल टेस्ट लेते हैं तो उस इंटरनल टेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट में पिछले 10 सालों में जेई एडवांस ने जो पैटर्न अडॉप्ट किया है, जिस जिस पैटर्न से पिछले 10 सालों में जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा है, हम उन सारे फॉर्मेट पे क्वेश्चन तैयार करते हैं कि रियल डे एग्जामिनेशन के दिन बच्चे को कुछ नया फॉर्मेट ना मिले, कुछ नया पैटर्न ना मिले। जेई एडवांस और मेंटर साइड रिसर्च के रिजल्ट की अगर बात करें तो टोटल 782 स्टूडेंट ने जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में सफलता पाई है। बिहार का जो बेस्ट रैंक ऑल इंडिया रैंक 188 आदित्य का है, वो मेंटर साइड रिसर्च के कैंपस का स्टूडेंट है। इसके अलावा झारखंड का जो बेस्ट रैंक 51 है सूर्यांश का, वो भी मेंटर साइड रिसर्च का स्टूडेंट है। अगर हम उन बच्चों की बात करें जो बच्चे क्लास 10th के बाद 11th में बायोलॉजी ऑप्ट करके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को जिस एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा वो नीट का एग्जाम, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स, एमबीबीएस एंड अदर अलाइड कोर्सेज को यूजी बोला जाता है। नीट का जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है। ऑफलाइन मोड में आपको OMR सीट प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें आपको अपने आंसर गवर्न करने होते हैं। नीट का जो एग्जाम होता है एक साल में एक ही बार होता है, जनरली ये मई के महीने में होता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से आपको 45-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी फिजिक्स से 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन। 3 घंटे का ये एग्जाम होता है। एक क्वेश्चन सही करने पे प्लस 4 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप गलत करेंगे तो -1 मार्क्स आपको मिलेगा। 3 घंटे यानी 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट है, एक उसी 3 घंटे में आपको आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उन्हें OMR शीट में बबल भी करना होगा, एग्जामिनर को कुछ इन्फॉर्मेशन भी पास एक से भी कम मिनट होता है। कई बार सुनने को यह मिलता है कि मेडिकल के क्वेश्चन इंजीनियरिंग की तुलना में आसान होते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि मेडिकल का कट ऑफ इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में बहुत हाई जाता है। कट ऑफ मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS कोर्स के एडमिशन की बात कर रहा हूं। तो आपको एक डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट करना होगा, आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। इसलिए नीट के प्रिपरेशन में आपको एक खास स्ट्रेटजी अडॉप्ट, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। अगर आप रैंक की बात करोगे तो बिहार से जो बेस्ट रैंक अंकित का ऑल इंडिया रैंक 11 है, इस बच्चे ने 720 में से 700 मार्क्स अचीव किए। रॉबिन ने 682, रवि ने 680 और हर्षित ने 677 मार्क्स अचीव किए। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अचीव नहीं करते हैं, 720 में बच्चे 720 तक अचीव करते हैं, बट थ्रू आउट योर 2 ईयर प्रिपरेशन आपको उसके लिए एक सही अप्रोच के साथ तैयारी करनी है। तो ये एग्जामिनेशन मैंडेटरी एग्जाम है। इन एग्जामिनेशन के अलावा हम बच्चों को जिन एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए सजेस्ट करते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम NTSC का है, यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। 2 डिफरेंट स्टेजेज में ये एग्जाम होता है और देश भर से फाइनली 2000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। NTSC स्कॉलर्स को क्लास 11th टू 12th 1250 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जब आप जाएंगे तो 2000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलेगा। NTSC में स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है NTSC स्कॉलर का टैग होना, क्योंकि देश भर से फाइनली 2000 बच्चों को इसमें सेलेक्ट किया जाता है। तो अगर आपने NTSC क्वालिफाई किया है तो ये आपके एक डिफरेंट टैलेंट का स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, ये थ्रू आउट आपके साथ कैरी करेगा। अभी 2021 तक का फाइनल NTSC का रिजल्ट आया है और मेंटर सेडक्शन से 21 बच्चों ने NTSC के एग्जाम में फाइनली सफलता पाई है। इसके अलावा जो एक प्रेस्टिजियस एग्जाम है दैट इज इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, ओलंपिक गेम्स के बारे में लगभग लोग जानते होंगे। पिछले साल टोक्यो ओलंपिक हुआ भी था, भारत से नीरज चावला को ओलंपिक में और मौनी लेखरा को पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खेल कूद के क्षेत्र में ही अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप पढ़ाई लिखाई के फील्ड में भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। ये 5 डिफरेंट स्टेजेज में होता है और फाइनली इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड होता है। इसके अलावा जो बच्चे क्लास 11th में मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हैं वो इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में अपीयर होने के साथ साथ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी अपीयर हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड दैट इज PRMO। ये 6 डिफरेंट स्टेजेस में होता है और 6th स्टेज में आपको इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अपीयर होने का मौका मिलता है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का जो सिलेबस है मैथ का, उसका 50% सिलेबस JEE एडवांस के सिलेबस से मैच करता है, रेस्ट 50% सिलेबस थोड़ा अलग है। तो मेंटर्स एंड रिसर्च के वैसे बच्चे जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको सिलेबस का वो पार्ट जो उनके JEE एडवांस के सिलेबस में नहीं है उसके लिए उन्हें IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए अलग से क्लासेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस ओलंपियाड के एग्जामिनेशन में जो मेंटर्स एंड रिसर्च से जो बच्चे सफल हुए हैं उनका ये, एंड फाइनली योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हम बोर्ड एग्जामिनेशन पे भी लौटेंगे, बट बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में हम बस इतना बोलना चाहते हैं कि जो बच्चे, कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर वे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो उनका इंजीनियरिंग या मेडिकल का प्रिपरेशन हैम्पर होगा, या अगर वे अपने इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करेंगे तो उनका बोर्ड का प्रिपरेशन हैम्पर होगा। ऐसा नहीं है, इस पे मैं आपसे आगे में डिटेल में बात करूंगा, बट फिलहाल मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपके सामने स्क्रीन पे जितने बच्चे हैं इन बच्चों ने जिस साल अपने 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 या उससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स अचीव किया है उसी साल इन्होंने अपने JEE या NEET के एग्जामिनेशन में भी सफलता पाई। हम पटना सेंटर पे बच्चों को क्लास 7 से ट्रेनिंग और कोचिंग देते हैं। ये मेंटर्स एंड रिसर्च से पढ़ने वाले वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2022 के 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन में लगभग 99% मार्क्स तक सिक्योर किया है और वो अब अपनी क्लास 11th की पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। ये कुछ एग्जामिनेशन थे आपके JEE मेन का एग्जाम, JEE एडवांस का एग्जाम और मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए NEET का एग्जाम। ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बट सवाल ये है कि आपको IIT की तैयारी क्यों करनी चाहिए, आपको मेडिकल की तैयारी क्यों करनी चाहिए। देखिए, थ्रू आउट द डिस्कशन मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो एम होना चाहिए वो IIT NIT IIIT जैसे कॉलेजेज होने चाहिए। अगर आप मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से MBBS कोर्सेज में, देखिए जिन्हें अगर हॉल के बाहर जाना हो वो आप शांति से हॉल के बाहर जा सकते हैं। आप हालांकि जिन बच्चों को इंजीनियरिंग की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपका पर्पस IIT NIT IIIT जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना होना चाहिए। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो आपका पर्पस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कोर्सेज में एडमिशन लेना होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आपको IIT की तैयारी क्यों करनी चाहिए, आपको मेडिकल प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, मेडिकल की तैयारी आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप कोई भी कैरियर सेलेक्ट करते हो तो उस कैरियर को सेलेक्ट करने का आपका क्या पर्पस होता है। पर्पस ये होता है कि वो कैरियर, वो पाथ आपको कैरियर वाइज, आपको इकोनॉमिक रूप से, आपको सोशल रूप से, आपको कम से कम उम्र में स्टेबल करे। इंडिया में आज भी ऐसे कम ऑप्शन हैं जो आपको 17, 18, 20 साल के एज में एक तरीके से स्टेबिलिटी की गारंटी देते हैं। मेडिकल के स्टेबिलिटी के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर आपने अच्छे तरीके से अपनी MBBS की
और पीजी की पढ़ाई की है, तो एक डॉक्टर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, तो उसके लिए ये बोलना कि आप इकोनॉमिक रूप से ज्यादा सफल होंगे एक बहुत छोटी बात होगी। एक डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इंडिया के आईआईटीज के बारे में जो वर्ल्ड का व्यू है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। बीबीसी वर्ल्ड न्यूज, बीबीसी का जो बीबीसी एक वर्ल्ड न्यूज एजेंसी है और बीबीसी का ऐसा मानना है कि पुट हार्वर्ड एमआईटी एंड प्रिंसटन टुगेदर एंड यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एमआईटी, हार्वर्ड और प्रिंसटन वर्ल्ड की तीन रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, ये बताती है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज में इंडिया के आईआईटी का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो इन तीन यूनिवर्सिटी से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट और कहीं ज्यादा डायनेमिक है। सैलोन यूएसए की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मैगजीन है। सैलोन की ऐसी फाइंडिंग है कि पर कैपिटा आईआईटी हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनेयर देन एनी अदर अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन, यानी कि विश्व के किसी और यूनिवर्सिटी से अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल की स्टडी करते हो उसके मुकाबले अगर आप इंडिया के आईआईटी से स्टडी करते हो तो आपके इकोनॉमिक रूप से सफल होने की संभावना ज्यादा है। विश्व के किसी और यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जितने मिलियनेयर